body needs another. Every body clutches for the car. Usted va a ir con mi canal a guardar en el chale. Usted va a ir a un chale de viajar que para no me entender. This is ridiculous. How can somebody write something so careless? वो एक सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा लिख सकता है, मुझे इसका यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुक पब्लिश होने वाली नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके सीज करके सारी कॉपी को आग लगा दी। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ इस आखिरी कॉपी को यहाँ करना पाया। दीपा, कॉल फॉर एन इंटरव्यू। सर, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बुक में मुझे जरा से भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। आई हैव एन इंटरव्यू टू टेक इन वेरी एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी वक्त जाया किया है, मतलब इसे कुछ तो सच्चाई होगी ना। मैं एक टीवी चैनल का ओनर जरूर हूं, लेकिन यू आर द फेस ऑफ इट एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वैसे लगभग 50 सालों से मैं आनंद को देखता आ रहा हूं, वो खुद एक शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचता है, तो ये किताब कुछ सोच कर ही लिखी हुई। आधे घंटे का टाइम देगी, उसके बाद यू कैन फाइंड समवन एल्स टू डू द जॉब। सलाम, इस इंटरव्यू को आर्काइव रूम में सेट कर सबको बाहर भेज दो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई डोंट वांट ए लाइव रिकॉर्डेड, ओके? महाराज, किसी पर दुर्गा बन के सवार हो जाती है। चोरी कह के लिखा है ना, आपकी कल्पना में क्या सच्चाई है? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे? सलाम, वो किताब मुझे दीजिए। एल्डोराडो का मतलब समझती हैं? You mean the lost city of gold? हजारों सालों से ये सोच करके कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसे तलाश में अपने पहुंचे थे, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हो, है कि नहीं? Possibly. इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। धरती में दफ्न हुआ शक्तिशिला। शक्तिशिला? तालाब के किनारे कपड़े धोने वाला पत्थर नहीं, लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी। उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना। वो शक्तिशिला चाहे कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। आई वॉन्ट टू सी इट, द स्टोन, इफ इट एक्सिस्ट। Get an excavation team ready. जितना भी पैसा खर्च हो, let's dig it out. कहाँ भेजना है? कहाँ है आपका शक्तिशिला? केजी कौन सा 18 किलोमीटर की दूरी पर धावन को मिलेगा, वहां से बैंगलोर के आते 12 किलोमीटर ईस्ट की और 4 किलोमीटर वेस्ट की और एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट डंडा करोगे तो वहां पत्थर मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकाल। लेकिन सर, 3 महीने मेरी शादी है सर, इस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो? अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगल की है, मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ है, मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से केजीएस के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, आपके मुंह से ही सुनते हैं, कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? केजीएस में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी
अपना एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर आए, उनके साथ सूर्य बाबर भी था। संघर्षों के शहर मुंबई में कदम रखा। चलो मेरी जगह
सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बम्बई की शर्की के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल नाम बोल। राजकृष्णप्पा बेरिया। बम्बई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल बले, 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 बले। इंस्पेक्टर कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने
इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नाथपाड़ा कोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गाय को पूरा मिटाना है। बॉम्बे वॉज ऑन हाई अलर्ट। दिलावर बॉम्बे फोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। रॉकी नहीं मिला है, मिलने का मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया, क्या फायदा? पहले उसको पकड़ो, जाओ तुम जाओ उसको। क्या है
तमाम चीजें कोस्ट गार्ड की मदद से मुंबई के पोर्ट्स में अनलोड हो रहा था। वहां से पुलिस सिक्योरिटी में ग्रे कलर के मार्क ट्रक्स में रॉकी को माल पहुंचने लगा। सील बॉक्सेस उसके सामने ही खोले जाते थे। वो खुद उसे चेक करके अपनी निगरानी में उन्हें मालगाड़ी से बाकी जगहों पर भिजवाया करता था। रॉकी के इजाजत के बिना मुंबई में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। Thank you.
रहा है और इस लैंडमार्क को पिन कोड तो क्या स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है, सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता। Ah!
चला जा। MLAs, MPs, High Court Judges, Central Ministers, सब लोग आओगे, सिक्योरिटी सेंटर की तरफ।
चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस करें। नींबू लेके आ रहे चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस करने वाले हैं और उसे छूना भी मुश्किल है। जो आ रहा है उसका फोटो नहीं गया। रीना उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, जब वो मिलेगा ना। रीना मेरी जिम्मेदारी है और इसका ख्याल रखूंगा, यही कहा था ना पापा से, अच्छी जिम्मेदारी निभाई कब। यहाँ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, ये तक नहीं पता उसे। यहाँ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, अगर पता होता ये काम करने यहाँ कोई भी नहीं आता। उसे अपना काम करने दो, कमल से दूर रखो उसे बस। एग्जाम देने के लिए दो दिन से 45 लड़के पहले होटल में रुके हुए, उठ बरतानी के मैच होने वाले बहुत सारे लड़के हैं वहाँ पर। हमारे सारे लड़के तो हॉस्पिटल में हैं, उसकी पहचान करने वाला कोई भी नहीं है। एक है दिखाना।
ही पाँव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाँव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी में समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली है दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है।
के बारे में कुछ रॉकी की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मार्क ट्रक्स जो बॉम्बे कोर्ट में होने चाहिए थे वो उसी पुलिस प्रोटेक्शन में बैंगलोर में क्या कर रहे थे, ये राज उसके समझ में नहीं आ रहा था और वो उसे खोजने में लग गया। Thank you.
इतना भाव दे रहे हो तुम लोग, इससे मार भी कम कर आए हो। तू कहां से आया है मुझे नहीं पता, बैंगलोर में विधानसभा कहां है, यहां का वेदर कैसा है, ये सब जानने से पहले मैं कितना बैड हूं ये जान लेता। गलती कर दी तूने। एंड नाउ इट्स टू लेट। बुलेट वेस्ट मत करो, इज नॉट वर्थ इट। जानते हो इनको यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे मारने के लिए नहीं, तेरी औकात दिखाने के लिए। चाहत की भी एक औकात होती है, वो भी मेरे जैसी से। चल तुझे एक मौका और देती हूँ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए। अगर तुम मुझे इन सब के सामने छू लिया तो मैं तेरी। क्या बात कर रहा है, हर जगह पुलिस होगी, गेट पर भी पुलिस होगी।
मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी। गुरु पांडे जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। छोटे सरकार आ रहे हैं, तुम उसे अंदर मारोगे, हमारी भी चेकिंग करेंगे, उसकी भी चेकिंग होगी। अगर एक बार अंदर मेरे हाथ में गन मिल गई, गन मिलेगी। स्टैचू का जाल बिछाकर वो सब गरुड़ा का इंतजार। ज्यादा भयानक होती है। What do you mean?
पेज 128 बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी है, पढ़िए। गेट लॉक कर दिया, सब लोगों को बुलाएंगे, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो इतनी आसानी से नहीं मारेगा, गोली मार के विधानसभा के सामने लटका देगा। एक कदम तक जाने के लिए भेजा पड़ी थी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पूरी फोर्स थी, आधे से ज्यादा लोग जो कर लिए हुए थे। मुझे लग रहा था वो हमारे लोग हैं जिन्हें हम अपना समझ रहे थे। बॉम्बे वाला किधर है? अंदर है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं, सोचा था उसे मारकर ये जगह हमारी होगी। हम तो अपने लिए स्वर्ग को नरक बना चुके हैं, उस दुनिया को पानी में ला चुके हैं। हमें क्यों छोड़ दिया? पावर, वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। वो बस अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, अगर गरुड़ अभी नहीं मरा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या मतलब? अब हम अच्छे उस जगह पर उन लोगों के बीच उस घर में कोई चल सकता है? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी जो हालत करके गया है वो उसके बाद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बलते बिखरे उल्का पिंड, आगे का तो शायद चल गया है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। जगह जहां भी हो जैसी भी हो उसे वहीं जाके मारूंगा। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए, सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए, बिजली की बारात खड़ी है विद्रोह के लिए। काम वही है, इसका आशिक
जहां गया तो उससे वापस नहीं आ पाएगा, ये आप बताओगे या मैं बताऊं? यहां बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक नींदा है। तुम उसके बारे में फिक्र मत करो चाचा, हो गया, वापस नहीं आएगा। अरे नहीं, मुझे रॉकी की कोई चिंता नहीं। जाने से पहले बच्चों को पेड़ा खिला कर दिया, मुझे बड़ा मन था। वो कहां से खरीदा था मत ये पूछा, तो उसकी फिक्र मत कर। उसके बारे में आपको पता है ना? पटरी पकड़ ले तो बस छुटता भी नहीं, छुटता भी नहीं। दुआ है उसके सर में। दुश्मन जितने ज्यादा बढ़ेंगे आग उतनी ज्यादा फैलेगी। तब तक 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 Thank you.
कि वो किस रास्ते पे जा रहा था। जाके कहां पहुंचने वाला, वो तो एक नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला। सूर्यवर्धन उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन जिस दिन वो गिरा उसके वारिसों की आवाजें उठने लगी। बहुत मेहनत से तूने ये साम्राज्य कर दिया है, उसे चुनना था। गोल तेरे बाद दर्जी भगवान बैठे, बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा। अधीरा भैया, अब यहाँ हथियारों की जगह चालक की और गद्दारी ने ली है, तुझे दोनों ही नहीं आते। जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म, जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं कसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसके इस फैसले ने उसके बनाए साम्राज्य की बुनियाद मिला कर अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया, पर निशाना चूक गया। जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया उसका निशाना नहीं चूका। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं, इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा, उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा।
तो दूसरी तरफ दया भी दिखाता है। मेरा भाई मुझे ही समझ नहीं आता। दया, तुम अभी अभी लंदन से आए हो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जानते हो तीनों कौन है? ये गौड़ा को मारने आए थे और गौड़ा ही लोगों को मार रहा है, क्योंकि इस बार काली माँ के लिए पकड़े नहीं मंगवाए। तो क्या अच्छा ठीक हो गई।
वही बेहतर होगा।
तो जानवरों ने लोगों को पिंजरे में डाल रखा है। यहाँ ना स्वर्ग है ना नरक, ना अच्छा है ना बुरा, ना ही कोई रास्ता। इन सबका कारण है करुणा। यहाँ भावनाओं पे मत जाओ, इनकी कोई कीमत नहीं है। जिसका दिल पत्थर का हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तौर तरीके समझना। मराठी में बस ये दो ही लोग सीना पाने खड़े। ये बेवकूफ कभी नहीं समझेंगे, सफेद लाइन पार करने पर माँ बेटे दोनों को मार डाला। आज उन लोगों को राशन ही मत दे। बाकी लोगों की तो जिंदगी बद से बदतर थी। सुनो केशव को बुला, कहानी सुनाएगा तो शायद बच्चे भूख से रोना बंद कर दे। उस जगह जहाँ उनका भरोसा टूट चुका था, वहां एक पागल अपनी कल्पनाओं को कहानी का रूप दे रहा था। कोई तो कहानी सुनाओ ना, सच्ची बात है। और एक-एक कहानी सुनाओ, पर कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। चंदन की कहानी सुनाता हूँ, फिर वीर की कहानी सुनाता हूँ। कहानी उत्तर दिशा की ओर दूर एक सुंदर सा जंगल था। कोमल हृदय के वन जीवों का खुशहाल हरा चंदन वन था। एक सुंदर सा प्यारा बेटा हो। लड़की होगी अग्नि वर्षा हुई वन का हो गया जो जीवन था। तुम्हें तो मुझे जितनी है मेरी तुम्हें जितनी है। अग्नि का तांडव हर तरफ जंगल में। मैं बेटा ही पैदा हूँ, किसी ने बताया नहीं क्या ये जगह भरत है? यहाँ किसी को बेटी होती है तो खुद ही उसका गला घोट देते हैं। जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आ जा।
चलेगा तेरे साथ चलेगी। फिर तेरा साथ छोड़कर हिम्मत से सामना करना सिखाऊंगी।
पर अटैक करने नहीं आए थे, उन 20 लोगों पर अटैक करने हो ही गया था। कोई बच करना भागे थे, मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए घर को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया अकेला। करेक्ट बोला है, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नहीं सामने वाले का होना चाहिए। मैं आए कब है वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर मैं फिर से आगे चला गया क्या? केजीएफ के अंदर हरों से साजिशें हो रही थी, चाल चली जा रही थी। सूर्यवर्धन को यह सब पता था, उसे यह भी पता था कि आने वाले वक्त में केजीएफ में एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। जी भी चले जाए, हम दोनों का खून देखने से पहले तो मैं भी देखा। बड़े सरकार कितने दिन रहेंगे पता नहीं, कभी सोचा है कि उसके बाद हम सबका क्या होगा? मेरे लिए भी आप लोग ये सोच रहे हैं ना, आप में मछली लेकर मगरमच्छ पकड़ना चाह रहे हो, पर मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ स्वादिष्ट लगता है। सरा सा खून देखकर तुम इतना डर गए, इससे पहले मैं खून की नदियों और निकल जाऊं यहां से। राज्य के चारों तरफ गिंड मंडरा रहे हैं छोटी मोटी लहरों के बारे में, बात सोचो। सोचने वाली बात कुछ और ही है, मेरे जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इनायत खलील, इनायत बहुत समय से इंतजार कर रहा है, एक बार अंदर घुस गया कभी वापस नहीं जाएगा। पता है इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? सलामी देने के लिए भी हम पैसे देते हैं, उसका नाम सुनते ही लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। वो सत्ता में आ गई तो ये दोनों ही काफी हैं इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए, पहले इनके बारे में सोचो। ये
मेंटेनेंस रूम में जो हादसा हुआ उसके पीछे सरोवर किसी का हाथ है। लगा किसी ने फोड़ा मारा था। सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां किसी ने घुसकर नक्शा देखा है और समझो पहचाया है। उसमें से कोई शाहदा को मारना चाहता है। मुझे मारने आया है यहाँ पर? तुम्हारा दिया हुआ मान पी पी कर कोई सिरफिरा भूखा पाव के लिए मेंटेनेंस रूम में घुसा होगा। अब रेस्ट नहीं ले सकते। ऐसा क्या? तो फिर उस बैच में काम करने वाले सभी लोगों को खींच कर ले आओ।
कामयाबी एक बार तो सच हो जाए।
कहते हुए बराबर है ना? पता है उनको लॉकी ने ही मारा होगा और लाशों को जला दिया होगा। अरे वैसा
है तो हमें कुछ करना है। वो दीपो को रोकना होगा। लॉकी के बारे में मुंह खुलवाने के लिए वो 20,000 लोगों की जान ले सकता है। उन लाठी को रोकना होगा। कुछ तो सोचो, सोचो, कुछ तो करना होगा। पिताजी गुजर गए।
किसी ने कॉपर के तार को पत्थर से बांधकर बिजली के तारों पर फेंका है जिससे नाइट्रोजन का पावर डाउन हो गया सर। बिजली जाने में 10 सेकंड के अंदर जीप और टॉर्च की लाइट ऑन कर दी थी। उन 10 सेकंड में हमारी नजर से बचकर किसी का सफेद लाइन को बाहर करके जाना नामुमकिन है सर। पूरे नाराजियों से देखी का नल है जो सीधा मैं तक जा रहा है।
I'm signing a death warrant of the biggest criminal in India.